लॉकडाउन की वजह से हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है, जिसके चलते रास्ते और गलियों में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। और इसी सन्नाटे का फायदा कुछ शातिर चोर पूर्ण लाभ उठाते दिखाई दे रहे हैं। यह घटना नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के आसपास की है। कल रात को संदिग्ध व्यक्ति विनय नगर के सप्तशृंगी इलाके में घूमते दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि इलाके के सुमित्रा बंगले के मालिक कुछ दिनों से नासिक से बाहर हैं। इस बात की सूचना फोन द्वारा मुंबई नाका पुलिस को प्राप्त हुई। खबर मिलते ही मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के कर्मी घटना स्थल पर पहुंचकर बंगले से चोरी करते हुए रंगे हाथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटित अपराध में दीपक गायकवाड़ तथा समीर शाह, यह दो शख्स हाउस रॉबरी के तहत गिरफ्तार करके घर की चार चाबियां पुलिस ने बरामद की। कल रात को 12:30 बजे कंट्रोल को कॉल आया था कि काम नासिक कंट्रोल मुंबई नगर पुलिस मुख्यालय में मीना नगर एरिया में सप्तशृंगी मंदिर या सुमित्रा बंगला बंगले में कोई हलचल दिख रही है। तो तुरंत वहाँ पे कंट्रोल ने हमारे जो मीट मार्शल रहती है, जो हमें नाइट पेट्रोलिंग के लिए रहती है वहाँ पे अलर्ट, उनको कॉल किया। तो वहाँ पे मीट मार्शल के लिए हमारे पुलिस हवादार लौंडे और स्वदेशी करके जो जवान थे और हमारे चौकी के स्टाफ का शिक्षा करके उनको कॉल किया था। और वो तुरंत वहाँ पे गए थे। उन्होंने तुरंत वहाँ पे एक आवाही करके बंगले के अंदर छानबीन करने के बाद उनको देखा गया कि बंगले के अंदर दो जन छुपे हुए। उन्होंने तुरंत अपनी जान जोखिम में डाल के अंदर जाके उनको तुरंत ढाबे में लिया। तो हमारे पता चला कि वो सरायत गुनेगार दो जन थे जो हमें एस बी डी करने वाले थे। उनको ढाबे में लेके उनको अरेस्ट किया हमने। उनके तहत IPC सेक्शन 401 और 457 के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको अरेस्ट किया और तहकीकात चालू है। ये जो अभी कोविड की वजह से जो हम अभी सब लोग क्रिमिनल इकोनॉमिकली डाउन होने की वजह से थोड़ा सा क्रिमिनल्स लोगों के पास पैसा नहीं करके लोग अभी ये गुने करने की शक्यता है, क्राइम करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। इसलिए हम लोगों को यही बता रहे हैं नाशिक के लोग अभी घरों में रहने के लिए मतलब वो लोग सेफ भी रह सकते हैं और उनको कोई क्राइम भी नहीं होगा घरों में रहने के ऊपर। जैसे कि अभी कल जो उनका बंगला हो यहाँ पर रहते नहीं है कि उनके ऊपर उन्होंने वहाँ पे उन्होंने क्राइम करने की कोशिश की, लेकिन जो लोग आदमी घर पर रहेंगे तो कोई क्राइम होगा भी नहीं, कोई इकोनॉमिक क्राइम होगा नहीं। लोग घरों में रहे और सेफ रहे।